नमस्कार दोस्तों, देखिए अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है तो आपको लंबे समय में बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन बीच में आपको कई बार गिरावट देखने को मिलेगी और फिर अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे, फिर गिरावट देखने को मिलेगी। तो जब म्यूचुअल फंड गिरावट में जाते हैं तो अपना पोर्टफोलियो कम से कम नीचे जाए अपनी ये कोशिश रहनी चाहिए। तो अब आप सोचोगे कि अपन ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं और आज के इस वीडियो में अपन उन्हीं तरीके के बारे में बात करेंगे। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि म्यूचुअल फंड में जो डाउनफॉल जाता है उसको कम से कम करने के लिए तरीके होते हैं, आज के इस वीडियो में अपन वही देखने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला तरीका है डायवर्सिफिकेशन। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका आपके पास टाइम कितना है, मान के चलिए कि आपको 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, ये बहुत मैटर करता है। और इसी के साथ साथ आपका गोल क्या है, मान के चलिए कि आपका गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम। अब फाइनेंशियल फ्रीडम में एक बड़ा अमाउंट लगता है तो इसके लिए टाइम भी ज्यादा चाहिए और पैसा भी ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर आपका गोल है कि मुझे कहीं टूर पर जाना है तो उसके लिए कम अमाउंट लग रहा है, और वो ऐसी चीज है कि अगर आप वर्ल्ड टूर की बात कर रहे हो, वर्ल्ड टूर के लिए उतना पैसा नहीं भी हो पाया तो आप इंडिया टूर कर लोगे, तो ये एक अलग गोल है। जैसे गोल आपके क्या है तो डायवर्सिफिकेशन और टाइम पीरियड के हिसाब से अपना गोल बनाइए, मतलब कि गोल और टाइम के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी है बहुत समय के लिए रिस्की फंड में और आपने गिरावट देखी और निकाल के ले गए, आपको कई बार गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए कि गोल और टाइम का याद रखिए। दूसरा एसेट एलोकेशन। अब देखिए ये चीज करते समय बहुत सारे इन्वेस्टर 90-95% लोग गलती करते, क्या करते हैं कि अपनी रिस्क टॉलरेंस देखते नहीं है कि हाँ मेरी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, गिरावट में कितना नीचे देख सकता हूं, तो इस चीज को देखते ही नहीं है। जब जहां ज्यादा रिटर्न देखने को मिला, 10 साल का रिटर्न ज्यादा देखने को मिल रहा है, स्मॉल कैप फंड में डाल दो इसमें पैसा। ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने ना इन्वेस्टमेंट की है और अभी मार्केट में भी पिछले हफ्ते पिछले महीने 5-10% की गिरावट देखने को मिली थी और सबसे ज्यादा वही लोग घबराए थे क्योंकि देखिए उनकी उतनी क्षमता नहीं है और उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे ना आपको ही नुकसान होगा क्योंकि देखिए वो नीचे गया है, हाँ मुझे पता है कि वो ऊपर आएगा, लेकिन जब वो नीचे जाता है ना तो लोगों की धड़कन तेज हो जाती है, जो रिस्क नहीं सह सकता वो सोचता और नीचे ना चल जाए और नीचे ना चल जाए। और स्मॉल कैप फंड नीचे भी जा सकते हैं, कई कई बार 33-50% से म्यूचुअल फंड क्रैश हो चुके हैं पिछले टाइम में स्मॉल कैप फंड। हाँ रिटर्न के टाइम पर अच्छे खासे 2-3 गुने भी रिटर्न दिए हैं, 1 लाख का 2.5 लाख 3 लाख भी बनाया है एक एक साल में बनाया है, लेकिन गिरावट भी इस तरीके की देखने को मिली है। अब इसी के साथ साथ एक्टिव मैनेजमेंट, कहने का मतलब है बहुत सारे जो अपने फंड है जैसे कि निफ्टी 50 हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स हुआ, तो उसमें एक तरीके से पैसिव में पैसा जाता है। लेकिन अगर अपन एक्टिव के थ्रू जाते हैं, अगर अपन रिस्की फंड की तरफ जा रहे हैं तो अगर अपन एक्टिव के थ्रू जाते हैं और अभी म्यूचुअल फंड में अभी इंडियन स्टॉक मार्केट की देखें तो इंडिया भी विकासशील देश है, भारत अभी विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है, तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं। तो जो एक्टिव मैनेजमेंट रहता है, एक्टिव मैनेजमेंट से मतलब है 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। पैसिव में क्या रहता है, डायरेक्ट इंडेक्स को कॉपी करते हैं, एक्टिव में यही रहता है कि फंड मैनेजर खुद से चूज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे फंड है जो फंड मैनेजर डालते हैं, तो एक्टिव मैनेज फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अभी के टाइम पर, क्योंकि भारत में काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाहर के जैसे यूएस जैसे देश है तो वहां पर उतना नहीं देखने को मिलता, तो वहां पर पैसिव फंड ज्यादा चलते हैं, लेकिन अपने इधर ऐसे चलते हैं। इसी के साथ साथ रिस्क असेसमेंट, कहने का मतलब है मार्केट में बहुत सारे रिस्क रहते हैं। पहला तो मार्केट की गिरावट का रिस्क कि मार्केट कब नीचे गिर जाए, लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क से मतलब ये रहता है कि आखिरकार उस म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी है कि नहीं, मतलब कि बेचने वाले और खरीदने वाले है कि नहीं। जैसे कि लार्ज कैप में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है तो यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर खरीदते बेचते करोड़ों का बिजनेस होता है, मिड कैप पे थोड़ा कम हो जाता है, स्मॉल कैप में और कम हो जाता है, माइक्रो कैप में और भी ज्यादा कम हो जाता है। तो लिक्विडिटी का रिस्क रहता है, मतलब आपके पास बेचने के लिए तो है लेकिन खरीदने वाला कोई है नहीं तो बिकेगा ही नहीं। इसी के साथ साथ स्ट्रेस टेस्ट, आपने इसका नाम अभी हाल में ही बहुत ज्यादा सुने होंगे कि अपने पूरे पोर्टफोलियो को अगर बेचना पड़ा, जैसे स्मॉल कैप को बेचना पड़ा तो आपको कितने दिन लगेंगे, इन्वेस्टर का पैसा वापस कब आएगा। ऐसे अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई को यही चीज में 60 दिन लग रहे थे अपने 50% पोर्टफोलियो को बेचने के लिए, स्मॉल कैप फंड की मैं बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीज आपको देखना चाहिए, डायवर्सिफिकेशन करना चाहिए, एसेट एलोकेशन, एक्टिव मैनेजमेंट और ऐसी बहुत सारी चीज देख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि जब लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मार्केट में कई बार गिरावट देखने को मिलती है तो आपका पोर्टफोलियो में कम से कम गिरावट देखने को मिलेगी और आपके रिस्क के हिसाब से अगर गिरावट होगी तो आप उस समय
डरोगे नहीं, और अगर आपके पास पैसा है तो आप और उसमें डालोगे और लंबे समय में मोटा पैसा कमाओगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।